नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ तीसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए पाठ को पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही न सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने भैया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वह उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नक बड़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, मतलब अलग है, उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। वो वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। इस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का त्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चारितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है।
नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों अभी हम पढ़ते हैं शब्द वाटिका। वन मानुष, वन मानुष मतलब कौन, बंदर की एक प्रजाति। पाशवी मतलब पशुवत, पाशवी मतलब पशुवत। निर्बोध, निर्बोध मतलब अज्ञान, अज्ञान। आचरण मतलब बर्ताव व्यवहार। लुप्त मतलब गायब। घृणा मतलब नफरत। द्योतक मतलब प्रतीक। चरितार्थता मतलब सार्थकता। तो दोस्तों अभी हमने ये पाठ पढ़ के ले लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्वाध्याय भी देख लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।